Hey guys, today I will talk about top 5 worst aquarium fish sold in India. First we have tattoo fish. देखिए गाइस, दो फिश के ऊपर ज़्यादा टैटू किया जाता है, एक पैरट फिश और एक जाइंट गुरामी, क्योंकि ये लोग बहुत हार्डी फिश होता है। तो आप लोग देखे होंगे इनके बॉडी के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस सिंबल्स, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया जाता है और अच्छा अच्छा कलर निकाला जाता है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो गाइस, उसका ओरिजिनल कलर रेड ही रहता है, येलो भी बहुत फेमस हो गया है एंड अभी बहुत सारा भी निकला है टैंचो वगैरह, तो ठीक है, चलो उस हद तक ठीक है। बट ये जो टैटू किया हुआ जो मार्केट में सेल होता है ना, प्लीज़ गाइस इनको बाय मत कीजिए। एंड जाइंट गुरा में भी आप लोग देखे हो गए, उसके बॉडी पर भी टैटू किया जाता है। सी गाइस, जनरली आप लोग हॉबीज जितना इनकरेज करोगे, आप लोग ज़्यादा अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो ब्रीडर लोग और उल्टा सीधा ब्रीड करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव गोल्ड फिश। सम ऑफ देम आर लाइक, मतलब लिटरली, मतलब ये लोग क्या गोल्ड फिश है, क्या एलियन है, मतलब कल का दिन में आएगा उसका सर लाएगा गोल्ड फिश का और टेल हो जाएगा अरवाना का, ऐसा ब्रीड भी निकल जाएगा। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं, बाबा लाइक का एक गोल्ड फिश है, मतलब आँख इसका गया तो ख़त्म ये फिश, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, देखिए ये जो लीची टाइप का जो है, बैलून टाइप का, तो ये लोग स्विम नहीं कर पाता ठीक से, ब्लोट हो जाता है, ये लोग ऊपर आकर मर जाता है, बहुत बार मैंने देखा, ग्रुप में भी पोस्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव द ग्लो फिश। इनका गाइस मतलब अलग ही डिमांड है, मार्केट पे आने पे तुरंत बिक जाता है, इतना सेल हो जाता है, 35-40 रुपये का मिलता है ये। बट गाइस इनका लाइफ स्पैन बहुत कम रहता है एंड ऐसा नहीं है इनके ऊपर इंजेक्शन डाल के कलर इम्पोर्ट किया जाता है, इनका पेरेंट्स ही वैसे रहता है। एंड कुछ लोगों का कहना है जो अंडर वाटर सी क्रीचर्स है जो रात को ग्लो करता है, सो उनसे कुछ जीन लेके इनको बनाया गया है। सो कुछ भी हो गाइस, आप ये फिश को बाय मत कीजिए। और इसका गाइस 6-7 कलर आपको मिल जाएगा इजीली मार्केट पे। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव द डी फॉर्म कैटेगरी फिशेस। गाइस ये कैटेगरी में बहुत सारे फिशेस आता है, लाइक अरावाना स्नैक हेड का आता है, एलिगेटर गार का आता है और भी बहुत वैराइटीज है। तो गाइस जब ये लोग फार्म पे ब्रीड होता है ना, तो उनमें से कुछ इस टाइप का डी फॉर्म निकल जाता है, तो ये लोग उनको भी सेपरेट करके आजकल ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया है और हाई प्राइस में सेल कर रहा है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, उनको जो भी उल्टा सीधा देखे वो लोग पहले बाय करता है। लाइक उसके पास RTG है तो मैं हाई बैक लूँगा, इसके पास हाई बैक है तो मैं प्लैटिनम लूँगा, इसके पास प्लैटिनम है तो मैं ब्लैक डायमंड ले लूँगा। तो गाइस ये जो प्रैक्टिस चल रहा है ना, लाइक अरावाना का भी गाइस मैंने देखा, उनका टेल काट के कुछ भी नाम डिफॉर्म करके बेच रहे, तो मुझे बुरा लगता है। सो गाइस डोंट प्रमोट दिस पीसेस। हाँ चलो एक दो पीस निकल गया, आप खुद आपके पास ही रखो, ये किसी और को सेल ना करो या उनको और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड मत करो। नेक्स्ट वी हैव द फ्लावर ऑन। देखिए गाइस, फ्लावर ऑन का 100 से ज़्यादा वेराइटीज़ है आई गेस, मतलब कोई भी अच्छे से नहीं जानता इसका मेन ओरिजिन क्या है, कैसे फर्स्ट फ्लावर ऑन आया था। तो इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, फ्लावर ऑन चिकलेट गाइस, ये 6-7 चिकलेट को मिक्स करके एक फीमेल पैरट के साथ ब्रीड किया जाता है, फिर उसके बाद और 3-4 अच्छे वैरायटी का चिकलेट्स लाइक रेड मैमन हो गया, ये सब हो गया, तो इनके साथ ब्रीड करके फिर फाइनल प्रोडक्ट निकला गया था। तो ये कंप्लीट मैनमेड फिश है गाइस, एंड आजकल कोई भी गाइस ब्रीड कर रहा है इनको, कुछ भी उल्टा सीधा नाम पे बेच रहा है, XYZ इंपोर्टेड बोल के इंडिया माल बेच देता है। सो आप लोग कॉशन रहिएगा एंड ट्राई कीजिए आप बड़े साइज का बाइक कीजिए, क्योंकि छोटे आप लोग हेड नहीं निकलेगा, आप डिप्रेशन हो जाओगे। सो गाइस ये था आज का वीडियो, टॉप 5 वर्स्ट फिशेस सोल्ड इन इंडिया। एंड आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, हैव अ नाइस डे, पीस।